वो बोली तुम्हारी बेल हो गई है और बोली तुमको लेने के लिए आए हम लोग। बिलाल भाई अंदर चले गए, डैडी भी ऑफ हो गए, बहुत ज्यादा तकलीफ आ गई। तो आपसे जो हेल्प हुआ, जो अल्लाह ने आपको दिए थे कि ये लड़का मुझे लगता है सही है। हम लोग इसके सालम की तारीख पे बराबर जाते थे, वहाँ पे मिलते थे, तो बोलने लगा अम्मी पैसा नहीं है तो मैं जुर्म कबूल कर लेता हूँ। भारत 130 करोड़ की आबादी वाला एक देश, पूरे भारत में लगभग 4,78,600 के आसपास लोग जेलों में बंद हैं, जिनमें से लगभग 3,30,000 के आसपास अंडर ट्रायल हैं। ऐसे ही लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया मुंबई के एक एनजीओ ने, जिसका नाम है ग्लोबल केयर फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ग्लोबल केयर फाउंडेशन को कायम करने की बुनियादी वजह यह है कि क्राइम प्रिवेंशन पर काम किया जाए। पिछले 2.5 सालों से ग्लोबल केयर फाउंडेशन क्राइम प्रिवेंशन के एस्पेक्ट पर मुसलसल काम कर रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं अप्रोच करने के लिए। एक तो ये है कि ऐसे कैदी, ऐसे प्रिजनर्स जो छोटे मोटे क्राइम्स के लिए जेलों के अंदर बंद है और जिनको हेल्प करने के लिए कोई जरिया नहीं है, घर वालों की इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनकी ताकत नहीं है कि उनको छुड़ा सके और उसको रिलीज करवा सके। आप जानते हो कि इस्लाम के अंदर किसी ऐसे आदमी को रिहा कराना जो बेकसूर है या जिसने कोई छोटे मोटे गुनह किए हैं जिसकी वजह से वो जेलों में बंद है, वो सालों से बंद है, तो उनकी मदद करना, उनको रिहा करना एक बहुत बड़ा नेक काम समझा जाता है। पिछले 2.5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह 160 से ज्यादा कैदी ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से रिलीज हो चुके हैं। ग्लोबल ट्रस्ट ने मेरे को छुड़ाया है। आई थी छोटी वाली वकील, वो बोली तुम्हारी बेल हो गई है और बोली तुमको लेने के लिए आए हम लोग। फिर वो बाहर गई और गेट के पास उसने सिक्योरिटी से बोली उनको छुड़ा रहे। बिलाल भाई अंदर चले गए, डैडी भी ऑफ हो गए, तो फिर इतनी ज्यादा परेशानी हो, मम्मी रात दिन टेंशन में रोते रहते थे, सोचते रहते थे, मम्मी बहुत ज्यादा तकलीफ आ गई। फिर एक थाने से कॉल आया, उन्होंने मुझे पूरा पता एड्रेस सब बताया, मैं उनको कॉल करी ग्लोबल, तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करे और मेरी हेल्प करे, फिर मेरे भाई बाहर आए। तो आपसे जो हेल्प हुआ, जो अल्लाह ने आपको दिए थे कि ये लड़का मुझे लगता है सही है, ये इंसान बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेगा, ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग जामिन इसके सालम की तारीख पे बराबर जाते थे, वहाँ पे मिलते थे, तो बोलने लगा अम्मी पैसा नहीं है तो मैं जुर्म कबूल कर लेता हूँ। तो मैं बोली ठीक है, अभी तो पैसे हैं नहीं, जुर्म कबूल कर। GCF ट्रस्ट ने हम लोगों की मदद की शालम को बाहर निकालने की, उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। Hi, this is Advocate Amreen Karimi. I was very curious as to which is the organization that is working towards their betterment, and I came across Global Care Foundation and have been working with them since couple of years. I have seen them working very genuinely, and they work not only towards the release of the prisoners but also towards their rehabilitation. So, mashallah, humne inka record check kiya hai ki pichle kafi salon se har saal काफी लोग को जेल से रिहा कराते हैं, उनका बेल का अमाउंट भर के। कैदियों को रिलीज करने के अलावा ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से फ्री लीगल गाइडेंस का प्रोग्राम चलाया जाता है लीगल एड क्लिनिक के थ्रू से। लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से हम ये क्रिमिनलाइजेशन जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं, और अगर ये लीगल एड क्लिनिक मेट्रोपोलिटन शहर में छोटे छोटे जगह पे अगर हमने ये चालू किया है तो इसीलिए क्या होगा कि इसका जो है कि क्रिमिनलाइजेशन जो बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। लीगल एड क्लिनिक के थ्रू से ये मुसलसल काम जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह कई सैकड़ों लोगों ने इससे फायदा उठाया। हमारे पास IG प्रिजन की स्पेशल परमिशन है, जिसे हमारे एडवोकेट्स डायरेक्टली जेलों में जाकर कैदियों से इंटरेक्ट होते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं। आई एडवोकेट मनन शाह इज बीन वर्किंग विद ग्लोबल केयर फाउंडेशन सिंस लास्ट 6 months एज अ पैनल एडवोकेट। मैं 5 जेल विजिट करता हूँ, मुंबई में आथर रोड एंड भाईकला, थाने में थाने एंड कल्याण, और नवी मुंबई में तलोजा जेल। रियल टास्क ऑफ लीगल एड इज नॉट मेयरली टू प्रोवाइड द लीगल एड इन कोर्ट बट ऑल्सो टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ द राइट्स अमंग द पीपल फॉर विच द ग्लोबल केयर ऑल्सो अंडरटेक्स the activities of creating legal awareness amongst the people.
जो लोग सोशल वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं कि हम लोग सोशल एक्टिविटीज कैसा कर सकते हैं, तो उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के साथ में मिलकर 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 4 पैरालीगल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं और उसके अंदर 150 से ज़्यादा वॉलंटियर्स रेडी हुए हैं जो लोग अपने अपने इलाकों में अपने अपने नज़दीकी लोगों के लिए काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एज अ लॉयर, जो क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं काफ़ी सब केसेस देखता हूँ, काफ़ी चीज़ें करता हूँ और अब जब ये चीज़ मुझे जानने लग गया हूँ मैं कि हालात होते हैं जो लोगों को क्रिमिनल बनाते हैं, तब मुझे पता चला है कि कोई पैदा नहीं होता है क्रिमिनल, ये लोग बन जाते हैं क्रिमिनल। तो ऐसे में इनकी मदद कौन करें, क्योंकि हम एज अ लॉयर भी, हमारे पास भी कभी ये टाइम नहीं होता है देखने का कि कौन सही में क्रिमिनल है या कौन है। हम एज पर FIR या एज पर चार्जशीट जाते हैं। यहाँ काफ़ी ऐसे NGOs हैं जो ये देखते हैं, जिनमें से एक है ग्लोबल केयर फाउंडेशन, जो बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब चीज़ों की जांच पड़ताल करता है। ये जब हमारे पास आते हैं किसी का रिकमेंडेशन लेके या किसी के बारे में बोल के कि सर ये इनोसेंट है और ये हालात से या जो भी सिचुएशन की वजह से अंदर है, तो हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही ईजी होता है इनकी मदद करना। ग्लोबल केयर जैसे फाउंडेशन को हम सबको बहुत सपोर्ट करना चाहिए। यकीन मानिए जेलों के अंदर हालात बद से बदतर हैं। वहाँ पर ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए जो लोग जुर्म के आदि नहीं हैं। इसके साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस काम की अशद्द ज़रूरत है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर से बेहतर आगे लेके जाएं। हम चाहते हैं कि इनको और मजबूत किया जाए। इनको बाकायदा अलग अलग लेवल से सपोर्ट मिल रहा है, हमने भी सपोर्ट किया है, जिमखाना सपोर्ट कर रही है इनको। मैं चाहता हूं कि आप भी सपोर्ट कीजिए क्योंकि बहुत ही नेक काम है। महाराष्ट्र में शायद कोई संस्था ऐसी होगी जो इतना अच्छा नेक काम करती हो। मेरी चाहत यह है कि इस नेक काम में आप साथ दीजिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू हेल्प एंड सपोर्ट ग्लोबल केयर फाउंडेशन इन इट्स नोबल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग द यूथ ऑफ द कम्युनिटी। सो माई फ्रेंड, ग्लोबल केयर फाउंडेशन इज डूइंग एन एक्सेप्शनल जॉब इन टूडेज वर्ल्ड। दे आर नॉट हियर फॉर मनी, दे आर नॉट हियर फॉर एनी अप्रेजल, दे आर हियर फॉर ह्यूमैनिटी। I'll just conclude with this. Please come ahead and donate to Global Care Foundation for Humanity. मैं एडवोकेट किशोर कामले ग्लोबल केयर फाउंडेशन के साथ में जुड़ा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी लोग हमारे इस कारवा में शामिल हो जाइए और तन मन धन से इस संस्था को आप मदद कीजिए, ऐसी मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद। ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि इस NGO में लोगों ने तन मन धन से जुड़ना चाहिए। बेहतर चीज़ अलहमदुल्ला एक खुशखबरी ये है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन के पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ATG का सर्टिफिकेट अवेलेबल है। जो डोनेशन या जो सपोर्ट ग्लोबल केयर को जाएगा, जो डोनर्स हैं उनको अपने टैक्स के अंदर एग्जम्पशन मिलेगा। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ देते हुए इस काम को बेहतर से बेहतर अंजाम देने की कोशिश करें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि बेहतर से बेहतर इसके अंदर तआवुन करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम।